घेतलं आणि सगळ्यांना सबसिडी मिळणारच असा अजितदादांकडनं वधवून घेतलेला आहे. त्यांनी ते स्पष्ट मान्य केलं. कुछ दिन पहले से पावर लूम के बारे में अफवाहें फैलाई जा रही थी कि जो 50% की सब्सिडी इलेक्ट्रिसिटी पे दी गई है और रद्द कर दी गई है. मैं चलिए पिछले 2-3 दिनों से कुछ पावर लूम वाले, कुछ हमारे कार्यकर्ता मुझसे मिले, मैंने अजीत दादा से बात की, उन्होंने डिपार्टमेंट से सत्यता मंगाई, तब पता चला कि 950 करोड़ रुपये की सब्सिडी अब तक बांट चुके हैं और 400 करोड़ की सब्सिडी सप्लीमेंट्री डिमांड्स में. तो इसकी स्पष्टता ये होती है कि सप्लीमेंट बंद करने का सरकार का ना कोई इरादा था, ना इसी कोई कोशिश थी, सिर्फ मुंह से बात आना और कागज़ के ऊपर लिखना, इतना ही अंतर था जिस अंतर पे कुछ लोग सियासत कर रहे थे. एक सवाल ये भी कश्मीर की मूवीज़ को लेकर